पहले तो मीडिया से पता चला कि प्रत्याशी बनाए गए हैं बोल के, और बड़ा आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा इतना आगे पहुंचा देगी बोल के। जब आधा घंटा के बाद ना, फिर उसके बाद पवन साई जी से बात हुआ और आदरणीय अजय जामवाल जी से बात हुआ, तब फिर कंफर्म हुआ कि अब मेरा ही नाम है बोल के। चरणदास मान जी ने कहा है कि आप कांग्रेसी हैं, भले ही उधर चले गए लेकिन दिल से कांग्रेसी हैं। नहीं नहीं, उनसे मुलाकात करो। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, हमारे पिताश्री रहे, कांग्रेस सांसद रहे, पर मैं जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं सीधा बीजेपी से सदस्यता ग्रहण किया। मैं उसके पहले रेलवे में जॉब में था और उसको रिजाइन करके फिर मैं बीजेपी में 2003 में ज्वाइन किया और तब से लगातार बीजेपी में रहा और संघ से जुड़ा रहा। और शुरुआत तो संघ से ही हुआ, जिला के संचालक के रूप में दायित्व मिला था, फिर उसके बाद प्रथम वर्ष भी मैं बैतूल से किया। तो इस तरीके से 2008 के बाद राजनीति क्षेत्र में आया और आज लगभग समझिए 20 साल हो गए हैं। ये सौगात मिला। सर, एक चीज बताइए, जिस क्षेत्र से आप आए, उद्योग, जल, जंगल, जमीन और आदिवासी, इन पर आपका नजरिया रुख क्या है? देखिए, हम लोग लगातार हमारे जनजाति समाज के साथ में संपर्क में है और निश्चित रूप से हमारा जो लैलूंगा विधानसभा है वहाँ अधिकांश उद्योग और माइंस वगैरह आ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो आए विकास हो, पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो डेवलप होना चाहिए, उसके बाद ये सब आना चाहिए। और जो नियम के अनुसार जो हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो नियम के अनुसार जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो मिलना चाहिए तभी मतलब उनका उद्धार होगा। अच्छा, सामने लोकसभा चुनाव है सर, एक सवाल, सामने लोकसभा चुनाव है जी, आदिवासी वर्ग ने धन्यवाद, थैंक यू बोल दीजिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा का, लोकसभा छोड़ दो जी जी, लोकसभा चुनाव सामने आ गया आप भी उस वक्त से जी जी, लोकसभा के संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, बस आप लोगों को धन्यवाद।